खबर रायपुर से है, जहां बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने कल पेश होने वाले बजट को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही सीएम ने प्रधानमंत्री आवास को लेकर के भी बीजेपी को यहां पर घेरा है। सीएम ने वन अधिकारी पट्टा के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के ट्वीट पर भी पलटवार किया है। सुनिए सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, एक बार आप भी सुनिए। अभी तक के छत्तीसगढ़ की जनता के भरोसे में हम लोग खड़े उतरे हैं, ये बजट भी भरोसे का ही बजट रहेगा। सबसे पहली बात ये है कि ये आंकड़े आए कहाँ से। छत्तीसगढ़ में 11 लाख से अधिक आवास के आवंटन हुए हैं, तो वो 2011 के जनगणना के आधार पर, जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसके आधार पर। 12 साल हो गया आपने जनगणना कराया ही नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण कराया नहीं। इन 12 सालों में जो हितग्राही हैं वो वंचित हो जाते हैं। हम लोग भी जाते हैं जनप्रतिनिधि के नाते, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं तो बोलते हैं हमको लाभ नहीं मिल रहा है, उसको लाभ मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो वर्ग वंचित हो गया है बड़ी संख्या में। और इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जनगणना तत्काल कराई जाए, ताकि जो जो हितग्राही हैं उसके चिन्हांकन किया जा सके और उसके आने वाले 10 साल तक के उन योजनाओं का लाभ मिल सके। अधिकार पट्टे के मामले में देश में अव्वल नंबर में है, चाहे वो व्यक्तिगत दावे की बात हो, चाहे सामुदायिक दावे की बात हो, चाहे वन संसाधन अधिकार की बात हो। हम लोगों ने 20 लाख हेक्टेयर से भी अधिक जमीन वहाँ वनांचल में रहने वाले, चाहे आदिवासी हों चाहे परंपरागत निवासी हों, उनको उपलब्ध हमने कराया है।